नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। बॉलीवुड में बीते कई दिनों से नेपोटिज्म को लेकर बहस छिड़ी हुई है, जिसके चलते कई स्टार्स भी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। इसी बीच नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाली एक और ऐसी हरकत की गई कि कंगना रनौत का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने एक लाइव वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 7 फिल्मों को रिलीज करने का ऐलान किया था। इन 7 फिल्मों में से एक फिल्म विद्युत जामवाल की अपकमिंग फिल्म खुदा हाफिज भी शामिल थी, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ स्टार किड्स को ही बुलाया गया, जिसके चलते विद्युत जामवाल ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उन्हें इग्नोर करने का आरोप लगाया था। यही वजह है कि इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स की बहस एक बार फिर छिड़ गई। विद्युत जामवाल ने नाराजगी जताते हुए ट्वीट में लिखा, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा ऐलान है, 7 फिल्में रिलीज के लिए निर्धारित हैं, लेकिन सिर्फ 5 को प्रतिनिधित्व के योग्य माना गया, 2 फिल्में और हैं, उन्हें कोई आमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ, सफर अभी लंबा है, पहिया घूमता है। वहीं अब कंगना रनौत ने विद्युत जामवाल का समर्थन किया है। कंगना रनौत ने विद्युत के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। कितनी शर्म की बात है कि एक आउटसाइडर को अब भी इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, जबकि वो ऐसा करने वाले खुद एक आउटसाइडर है। बता दें कि स्टार इंडिया और द वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के चेयरमैन उदय शंकर के साथ हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक बच्चन, अजय देवगन, आलिया भट्ट, वरुण धवन और अक्षय कुमार को बुलाया गया था, लेकिन विद्युत जामवाल और कुणाल खेमो को नहीं। वहीं विद्युत के अलावा कुणाल ने भी ट्विटर पर नाराजगी जाहिर की थी, जिनकी फिल्म लूट केस भी रिलीज होने वाली है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इसकी काफी आलोचना हो रही है। विद्युत जामवाल ने ऐसे वक्त पर आपत्ति जताई है जब लोग स्टार किड्स को स्पेशल ट्रीटमेंट और आउटसाइडर्स को बाहर करने के मुद्दे पर बात कर रहे हैं।